ये मेरा है, वो कहता ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। और ये युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया, अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया सातवां आसमान पे। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया, इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था अमेरिका खुमैनी को देखना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन काट मिल गया किसका, खुमैनी का। खुमैनी थे सिया, ई थे सुन्नी। ईरान था सिया देश, और उसका नेता खुमैनी भी था। इराक में एक बहुत बड़ी आबादी सिया थी, लेकिन उसका लीडर कौन था, सुन्नी। तो खुमैनी चाहते थे कि कैसे भी सद्दाम हुसैन को हटा के इराक में एक सिया प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसका डर था किसको, सद्दाम हुसैन को। खुमैनी चाहते थे कि यहां के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। इस नए तेल क्षेत्र के खोज के बाद दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है, युद्ध। क्या हो जाता है, युद्ध। और यह युद्ध रूप लेता है इराक ईरान वार। किसका रूप लेता है, इराक ईरान वार 1980। इस युद्ध में इराक वायुसेना से ईरान को कचल देता है और ईरान हार जाता है। इस युद्ध में ईरान हारने लगता है, और जब ये ईरान हारने लगता है तो खुमैनी कहता है कि अगर तुम युद्ध हारे तो पूरी दुनिया में एक ही सिया देश है, फिर कोई नहीं बचेगा यहां पर। इसलिए तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा युद्ध में। और उसके बाद हुआ कि 15 साल 16 साल 18 साल का लड़का ईरान के युद्ध में क्या बन गया, सेना बन गया, सेना। और ईरान के सैनिक लाइन लगा के लड़ते थे, उन्हें पता था कि अगला सिपाही अगर मरेगा तो पिछला कब्जा कर लेगा। 2 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया, इराक का। ब्रिटेन, अमेरिका ने किसका साथ दिया, इराक का। सऊदी अरब ने किसका साथ दिया, इराक, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी था, ज्यादा था सिया मरा जाए यहाँ पे। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया, इराक का। सब ने किसका साथ दिया, रूस परेशान हो गया, क्योंकि रूस का इराक से भी दोस्ती, ईरान से भी दोस्ती। अब रूस चुपचाप समझाने में लग गया, अरे मार काट मत कर। यहां पर समझ में आ गया, गया। अब क्या हुआ, सद्दाम हुसैन जब देखे कि भैया अब तो गड़बड़ होने लगा, पैसा वैसा खर्चा हो गया, तो सद्दाम हुसैन को पैसा किसने दिया, सऊदी अरब। और यहाँ एक छोटा देश है कुवैत, इसने भी पैसा दिया, कहा कि मारिए इसको। ई भी पैसा दिया, मारिए इसको। समझ में गया कि नहीं। और उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो 2 साल बाद सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, युद्ध से खून खराबा से कुछ नहीं होगा, हम ईरान के दिए गए क्षेत्र को वापस दे देते हैं। खुमैनी कहा बहुत अच्छा, आ जाइए वापस दे दीजिए। तो वापस ले लिया खुमैनी। खुमैनी मार दिया किसको, अल बसरा को, इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अल बसरा। अब मार के तबाह कर दिया। कहा कि हम भी युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन पहले बराबर चोट पहुंचाएंगे, तब फिर युद्ध पनप गया 5 साल और। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहा है। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया, इसका उड़ाया उसका उड़ाया। पूरी दुनिया में तेल की खत्म किल्लत हो गई। अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया सातवां आसमान पे। पूरी दुनिया करी रे भाई मना देखनी, पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल पे चल रही है। अब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारा लुब्रिकेंट बनता है, वैसलीन। दुनिया भर का, पूरी दुनिया परेशान हो गई। अरे यार समझाओ इन सब को, एकनी के चक्कर में पूरी दुनिया चल जाएगी यहां पर। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था, यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। अगर दुनिया को दिक्कत है तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूरोप को दिक्कत होता है ना तो उसको पूरी दुनिया को दिक्कत। जब तक ये देश आपस में लड़ रहे थे मजा ले रहा था, मारो मारो मारो, जब पेट्रोलियम सप्लाई बंद हो गया तो कारी बात बाप, रोको 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 रोको, है लड़ाई नहीं करना, रुको रुको, समझौता करो, लड़ाई नहीं होगा। 10 साल 8 साल तक ये युद्ध चला, 88, अब बाद में रोकवा दिया गया है सद्दाम हुसैन। रन दो वापस जाओ, है खुमैनी साहब उधर जी, खुमैनी उधर जी, खुमैनी को उधर भेज दिया, यहां चला गया। इसमें 20,000 आम इंसान मारे गए थे। जैसे जैसे स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, बम गिरा दिया ले आके, ये आम इंसान मारे गए थे। आपको क्या लगता है, आप कभी सुने हमारा वेस्टर्न कंट्री का हम बहुत तारीफ किए हों,